वर्ष के पहले शाम शिरडी साईं के नाम। इस संकल्प को ध्यान में रखकर इस बार भी शिरडी साईं सेवा समाज पंचकुला नव वर्ष के उपलक्ष्य में जहां सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में साईं भजन संध्या और साईं उत्सव का आयोजन करवा रहा है, वहीं समाज की जघन्य बुराई कन्या भ्रूण हत्या के विषय पर नाटक मंचन व गीत का आयोजन भी करवा रहा है, जिसमें 51 बच्चियां अपनी प्रतिभा को उजागर करेंगी। यह जानकारी रविवार को शिरडी साईं सेवा समाज के प्रधान अनिल थापर ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया शिरकत करेंगे। ये सब भगवान का नाम लेके भी कोई भी शुभ काम करें, साल का पहला दिन है, हम क्योंकि बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, हम संदेश ये देना चाहते हैं कि बाबा का नाम लो, पहला साल का पहला दिन है, भगवान के नाम से शुरू करेंगे, साल अच्छा जाएगा और शुभ कार्य होंगे और लोगों का ध्यान अच्छी 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 जगह की तरफ जाएगा। हाँ जी, एक तो हमारा यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा, जो कि 1000 यूनिट से ज़्यादा हम यहाँ पे ब्लड यूनिट जो हम इकट्ठा करके देंगे। इसके अलावा यहाँ पे बाबा के 11 तरह के दरबार लगेंगे, जो कि जो जनता जो डिवोटीज अंदर आते हैं लाइन में, कई बार उसमें कोई ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो तंग करते हैं, वो उनको उनका डाइवर्ट करने के लिए हमने दरबार बना दिए ताकि सबका मन उधर लगा रहे। तो जो प्रोग्राम है उनके लिए भी हमने लाइव LED पे चलाएंगे, तो 11 दरबार बनेंगे। मेन दरबार यहाँ सामने आपके सामने है ही है। इसके अलावा एक स्किट होगी, जो 6 मिनट की स्किट है, जब CM साहब आएंगे उसमें है पहले कन्या को बचाओ फिर साईं को पाओ। उस किट में बच्चे अपना एक प्रोग्राम पेश करेंगे जो कि शिरडी साईं सेवा समाज ने खुद ही तैयार करा है। वहीं इस बार बाबा के 11 पंडाल लगाए जाएंगे और पंडाल में करीब 50,000 लोग बेटी बचाओ की शपथ लेंगे और यह शपथ मुख्यमंत्री द्वारा दिलवाई जाएगी। इस दौरान एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जहां चंडीगढ़ सेक्टर 32 के ब्लड बैंक के डॉक्टरों की टीम अपना सहयोग देगी। इस मौके पर शिरडी साईं सेवा समिति के पदाधिकारियों एवं उपस्थित लोगों ने दिल्ली गैंगरेप पीड़िता दामिनी की मौत पर शोक भी व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।